देखो एक लास्ट टाइम में डाउट था तुम्हारा, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस, जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ फिर भी वो ग्रो अप कर गया है भैया, वो तो पार्थेनोजेनेसिस। इनकम्प्लीट मतलब क्या, इनकम्प्लीट मतलब टोटल वैसा स्पीसीज में बोलेंगे कि इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस है जहां पे फ्यू मेंबर्स जो है उनमें जो तुम्हारा है वो पार्थेनोजेनेसिस होता है और एक जो उसमें फर्टिलाइज और कुछ में फ्यू में फ्यूजन होता है, मतलब सिनगेमी। जैसे एग्जांपल लिए थे हनी बी का, हनी बी में ड्रोन जो बनता था वो पार्थेनोजेनेसिस से, क्वीन बी और वर्कर भी किससे बनते थे, फ्यूजन से, सिनगेमी से, है ना। तो जो हनी बी का स्पीसीज वो क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। अभी ठीक है, हाँ पूरे स्पीसीज का हर एक मेंबर किससे बनेगा, पार्थेनोजेनेसिस। जेंडर ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे भी पार्थेनोजेनेसिस को डिवाइड किए हैं, हेलीटोकी, एम्फीटोकी और आर्गेनोटोकी में। एम्फीटोकी मेल और फीमेल दोनों ही पार्थेनोजेनेसिस से, फिर आर्गेनोटोकी सिर्फ मेल पार्थेनोजेनेसिस से और थेलीटोकी ओनली फीमेल पार्थेनोजेनेसिस से। तो ये स्किप कर दिया, इतना नहीं पूछे। चलो अगला गैमेटोजेनेसिस पे देखते, मतलब इसका पता, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, बुक छोड़ दो अभी मैं लिखूं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स लिखो, गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स दो तरह का, एक इज स्पर्मेटोजेनेसिस, सेकेंड इज ओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड ओजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ एग्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड यहां पे क्या, फॉर्मेशन ऑफ एग्स। अगला पॉइंट देखिए, मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, तो हम फास्ट है धीरे धीरे स्पीड और बढ़ाना ही तुम लोगों, कब बना था तुम याद नहीं आ रहा है, 2018 देखो 2016 का मेरे पास कुछ रैंक लिस्ट है, 390 मार्क्स पे 80,000 रैंक था नीट का, 578 पे 2,419, 515 पे 16,000, 540 पे 9,413, क्या ये मार्क्स पे रैंकिंग था, ऑल इंडिया रैंकिंग 10,000 के आसपास समझ लो कि तुमको कोई कॉलेज मिल जाएगा। 540 पे 9,413, 390 80,000, 80,000 नहीं, 10,000 के कम में रहोगे कब मिलेगा कॉलेज, ये 80,000 है। चलो तो लिखो, मेजोरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, हाँ नेक्स्ट पॉइंट बना के, मेजोरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, मेजोरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, द गैमेट्स आर ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स, ऑर्गेनिजम्स के बाद कॉमा दे लेना, द गैमेट्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ, द गैमेट्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ, द गैमेट्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स, द गैमेट्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स,
मॉर्फोलॉजिकली द गैमेट्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स हेट्रोगैमेट्स, ब्रैकेट में हेट्रोगैमेट्स, एक तरह का गैमेट्स होगा तो होमोगैमेट्स बोलेंगे, दो तरह का तो हेट्रोगैमेट्स। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग वन, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। हाँ, गैमेटोजेनेसिस में सब सबेंडिंग चलेगा, चेंज होगा तो हम बता दें। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, आई गेस ये एनसीईआरटी में होना चाहिए, देखते हैं मिल गया तो अच्छा है। एज नंबर 11, सेकंड लास्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन, गैमेट्स आर हैप्लॉइड, दिख रहा है गैमेट्स आर हैप्लॉइड। चलो ड्राइंग करना शुरू करो, पेज नंबर 11 सेकंड लास्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन लास्ट वर्ड हैप्लॉइड बोर्ड में दिख रहा होगा वो लाइन, गैमेट्स आर हैप्लॉइड दो द पेरेंट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ठीक है, याद करो एक लाइन में स्टार्टिंग में बोले थे गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लॉइड, पेरेंट का बॉडी हैप्लॉइड या डिप्लॉइड इससे फर्क नहीं पड़ता, गैमेट हमेशा ही हैप्लॉइड होगा, गैमेट्स हमेशा ही हैप्लॉइड था, स्पोर हमेशा ही हैप्लॉइड था, जिसपे स्पोर बन रहा है वो हो सकता है कि अगर गैमेटोफिटिक जनरेशन होगा तो हैप्लॉइड होगा, स्पोरोफिटिक होगा तो डिप्लॉइड होगा, लेकिन स्पोर तय है कि क्या होगा हैप्लॉइड। ठीक है, अच्छा अगर पेरेंट डिप्लॉइड है तो स्पोर कैसे, गैमेट कैसे बनेगा, माइटोसिस से या मियोसिस से, पेरेंट डिप्लॉइड है तो गैमेट कैसे बनाएगा, माइटोसिस या मियोसिस, मियोसिस, गैमेट तय है कि हैप्लॉइड होगा, पेरेंट डिप्लॉइड है तो मियोसिस से अपने क्रोमोसोम के सेट को हाफ करेगा। ठीक है, अच्छा पेरेंट हैप्लॉइड है तो गैमेट कैसे बनेगा, माइटोसिस से, पहले से अंत था फिर से अंत रहेगा, तो वही सब कुछ लिखा हुआ है, पहले बताया वही लिखा, देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखो, द हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन, मिला, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नहीं लाइन थोड़ा सा फिक्स है, वैसे जहां पे डिप्लॉइड लास्ट पैराग्राफ में देखो डिप्लॉइड दिख रहा बोर्ड में, उसके लिए इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स मियोसिस द रिडक्शन डिवीजन हैज टू अकर इफ अ डिप्लॉइड बॉडी हैज टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट, मिला, डिप्लॉइड के बाद इट इज ऑब्वियस काट दो, इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स मियोसिस ब्रैकेट में द रिडक्शन डिवीजन हैज टू अकर If the diploid body has to produce haploid gamete, ठीक है? अगर diploid है तो meiosis करेगा। तय। उसके बाद page number 13, page number 13, paragraph देखो, first paragraph, in diploid organisms specialized cells called meiosite, याद करो gamete mother cell हमको 11 में भी पढ़े थे, है ना? gamete mother cell जहाँ meiosis होता था, है ना? meiosite होते थे उसको। तो गैमेट मदर सेल जिसको कि मियोसाइट बोलेंगे अंडरगोज मियोसिस, एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट। ठीक है, ये पूरा यहां पे पॉइंट बनता कॉपी में जो लिखते हैं, क्या लिखना पसंद करोगे कि बुक से खुश हो, दिखा दे दीजिए फिर उतार लो बस पॉइंट वाइज करके। ठीक है, हाँ तो एक काम करो कॉपी में लिख दो एनसीईआरटी पेज नंबर 11 एंड 13, पेज नंबर 11 के बाद ब्रैकेट लिख लेना सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, एनसीईआरटी पेज नंबर 11 सेकेंड लास्ट पैराग्राफ ब्रैकेट में, एंड पेज नंबर 13 फर्स्ट पैराग्राफ,
सब कुछ बताया हुआ, कुछ भी ऐसा अजीब नहीं। अगर पेरेंट हैप्लॉइड होगा तो देखो जो पढ़ रहे हैं स्टार्ट में लिख रहे हैं, अगर पेरेंट हैप्लॉइड होगा तो माइटोसिस से गैमेट बनाएगा, ये एंड है और ये तो कंफर्म है कि नहीं रहेगा। अगर पेरेंट डिप्लॉइड है मतलब ट्यूबेल है तो यहां मियोसिस होगा और गैमेट बनेगा कैसा, हैप्लॉइड ही, ये तो कंफर्म है। अच्छा इसके केस में इनके बॉडी में एक स्पेशल जगह होता है मियोसाइट स्पेशल सेल जिसको बोलते हैं गैमेट मदर सेल, जहां पे कि मियोसिस होता है और गैमेट बनता है। जैसे अगर मेल के केस में बात करें तो मियोसाइट कहां मिलेगा, टेस्टिस में, और वहां पे मियोसिस होगा और स्पर्म बनेगा। फीमेल केस में बात करें तो मियोसाइट कहां मिलेगा, ओवरी में, वहां पर मियोसिस होगा और क्या बनेगा, एग। ठीक है अच्छा लास्ट टाइम क्या था, हाँ अगर डिप्लॉइड है साइड से बात करें टू एन है और ये एन है, यहां टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है और यहां कितना सेट है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। जाहिर सी बात है जो भी क्रोमोसोम उसका केवल एक सेट यहां जाएगा, दैट्स इट, यही है पूरे चैप्टर में लिखा अभी तक। ठीक है तो अगर हम एग्जैक्टली नीट के लिए पढ़ते तो ये लिखवाते, बोर्ड के लिए पढ़वाते तो ये लिखवाते, अभी दोनों का हैबिट है तो लिखवाए ड्राइंग वो करवाए लिखवाइए ना, इसको लिख लो कॉपी में अंदाज हुआ। ठीक है अच्छा एनसीईआरटी पेज नंबर 13 एक प्यारा सा टेबल दिख रहा होगा, इस प्यारे से टेबल में क्या खास बात है ये याद रखो। ओफियोग्लोसम दिखा, ओफियोग्लोसम इसमें मैक्सिमम क्रोमोसोम होता है, देखो तो इसे गैमेट में 630 क्रोमोसोम है तो मियोसाइट में कितना क्रोमोसोम होगा, जस्ट डबल, तो कितना 1260 लिख लो मैक्सिमम क्रोमोसोम। ठीक है इसको याद रखना किसमें कितना क्रोमोसोम नंबर होता है, जैसे ह्यूमन में 46 होता है ना, हाउस फ्लाई में 12, रैट में, अच्छा रैट का कोई बताएगा 42, अच्छा सिंपल तो है 21 गैमेट में, तो म्यूसाइट में 42 जस्ट ओनियन में 16, ये पूछा हुआ नीट में। ओफियोग्लोसम को मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्रोमोसोम नंबर इज फाउंड इन ओफियोग्लोसम 1260 मैक्सिमम क्रोमोसोम नंबर इज फाउंड इन ओफियोग्लोसम 1260। ठीक है दिक्कत है तक नहीं, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, सब हेडिंग सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। लिखो इन द फ्लावरिंग प्लांट एनिमल एक इसमें सबको जानता है मोनोइशियस डाइकिशियस या यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल क्या होता है, बट प्लांट के केस में थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो लिखेंगे इन फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज कॉल्ड स्टैमिनेट, इन फ्लावरिंग प्लांट यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज कॉल्ड स्टैमिनेट, इन फ्लावरिंग प्लांट यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज कॉल्ड स्टैमिनेट व्हाइल फीमेल फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिलेट, फीमेल फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिलेट।
मेल फ्लावर इज कॉल्ड स्टैमिनेट एंड फीमेल फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिलेट। ठीक है, देखो ये अलग ऐसे लिखना, उसके बाद अगला पॉइंट बना, ये एक साथ ऐसे ही ऐसे लिखना। बाइसेक्सुअल का मतलब सबको पता है, बाइसेक्सुअल किसको बोले? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, मतलब वैसा प्लांट जिसके अंदर मेल फ्लावर भी है फीमेल फ्लावर भी है। बाइसेक्सुअल के लिए एक और नाम है मोनोथैलिक, है ना, या मोनोइशियस, ठीक है, और उसी को होमोथैलिक भी बोलते हैं, होमोथैलिक। ठीक है, तो ऐसे लिखना, उसके बाद लाइन चेंज करके इधर में एग्जांपल लिखेंगे, इसलिए इधर जगह छोड़ना, लाइन चेंज करके इसके नीचे ऐसे लिखना। दिल्ली यूनिवर्सिटी सब लोग जानते हो, है ना, यह है डायोनीसियस, और इसका एक और नाम क्या है, यूनिसेक्स। अच्छा, ये होमोथैलिक के लिए कैसा होगा? हेटरोथैलिक, है ना, ये अगर होमोथैलिक के लिए कैसा होगा? हेटरोथैलिक। तो यहां नहीं लिख रहा, ऐसे नोट में लिख सकते हो, ये क्या है, हेटरोथैलिक। तुमको ये याद रखना है कि होमोथैलिक इज एमडीएच, एमडीएच सब लोग सुना है ना, एमडीएच मसाले, एमडीएच, हाँ एमडीएच, कोई नहीं, हम दूसरे का नाम क्या रखे, कॉपीराइट टीम है ना, इसने एमडीएच कर दी, एमडीएच का भाई एमडीएच। मोनोइशियस बाइसेक्सुअल, अच्छा मोनोथैलिक क्या है यार, ये मोनोइशियस को मोनोथैलिक तो करिए, मोनोइशियस मोनोइशियस बाइसेक्सुअल होमोथैलिक। उसके बाद फिर डीयू, डायोनीसियस और यूनिसेक्सुअल नीचे, हाँ अच्छा, इसके एग्जांपल लिख लो, इसके एग्जांपल मस्त एग्जांपल है, दो एग्जांपल आपको रखना, बाला सब लोग इसका नाम सुने हो, क्या है, नारियल, और दूसरा चचेरा भाई है, डाब असल में कोकोनट ही होता है, डाब कोकोनट, डेट पाम तो हो गया वो गाड़ी वाला, गाड़ी वाला गाड़ी का प्लांट को डेट बोलते हैं, खजूर सिर्फ हुआ उससे जो रस निकलता है वो डेट पाम। मोनोइशियस में कोकोनट, हाँ एक ही प्लांट में मेल पार्ट भी फीमेल पार्ट भी, कुकुरबिट दूसरा प्लांट है, कुकुरबिट वो बाइसेक्सुअल, हाँ बाइसेक्सुअल क्या, ये तीनों एक ही चीज है, आप बाइसेक्सुअल बोलो, आप होमोसेक्सुअल बोलो, आप होमोसेक्सुअल बोलो, तीनों इज सेम, और उन्हीं दोनों का एग्जांपल है कुकुरनट और कुकुरबिट। ठीक है, कुकुरबिट तो पक्का याद रहेगा, कुकुरनट भूल जाओ, तीनों सेम ही चीज है, तुम्हारा नाम जो है यहाँ है घर पे कुछ और होगा, दोस्त कुछ और बुलाते होंगे, तीनों चीज देखी है ना, समझ रहा है, तुम्हारा भी पता है, समझ गए, यहाँ का कुछ और घर का कुछ और, जितना दोस्त उतना नाम, लड़कों का यह चीज होता है ठीक सकता है, जो भी नाम एक ही रखाएगा सब लोग एक ही नाम जानेगा, लड़के का तो कितना दोस्त उतना नाम, चीज तो सेम ही है ना, प्लांट का नाम है, साइंटिस्ट इतना महान होगा, नाम डिक्शनरी से नहीं गूगल से खोया होगा, क्या रखें क्या रखें क्या रखें, फिर फाइनली कुकुर बिट रखा, कुकुर मतलब समझते हैं कुत्ता, ऐसा कुछ नहीं है, ले हम तो ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, डायोनीसियस में लिखो पपाया डेट पाम और मलबेरी, पपाया डेट पाम और
मलबेरी, पपाया डेट पाम और मलबेरी। इसका एग्जाम्पल है डायोनीशियस, पपाया डेट पाम और मलबेरी, डायोनीशियस का एग्जाम्पल। मतलब ये कि अगर तुम पपाया का बात करो या डेट पाम का बात करो तो एक प्लांट पे सिर्फ मेल पार्ट, मतलब वहां पे फ्लावर नहीं होगा, सिर्फ पॉलन बनेगा, और एक प्लांट पे सिर्फ फीमेल पार्ट, मतलब सिर्फ वहां फ्लावर बनेगा। ठीक है, डायोइशियस है यूनिसेक्सुअल, जैसे हम लोग क्या है मोनोइशियस या डायोइशियस, डायोइशियस बिल्कुल यूनिसेक्सुअल, एक बॉडी में या तो मेल और सेक्स ऑर्गन होगा या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। अच्छा कभी दोनों हो गया था उसको ये बोलेंगे सिंड्रोम बनेगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जेनेटिक्स मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। वहां पे पूरा पूरा क्रोमोसोम घूमेगा, एक्स एक्स वाई, ये होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नॉर्मली आपका एक्स 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 वाई होता है ना, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है एक्स एक्स वाई हो जाता है, एक्स एक्स वाई। हाँ, कमर नीचे मेल पार्ट मतलब पेनिस का फॉर्मेशन होगा और कमर के ऊपर फीमेल पार्ट मतलब ब्रेस्ट का फॉर्मेशन भी होगा, एक्स एक्स वाई। खैर नेक्स्ट, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन चार एनिमल के एनसीआर पूछना नहीं चाहिए, बट तुम्हारे एनसीआर के पेज नंबर 12 में दोनों का डायग्राम है। देखो मार्क एनसीआर में तुम पढ़े हो, चार में तुम पढ़े हो, है ना, लेकिन दोनों का क्वेश्चन देखो 12th में पूछ देगा। अब लोगों को लगता है कि यार 12th में ऐसा कहां पूछा है, लेकिन देख लो भाई 12th के एनसीआर में दे दिया तो पूछ सकता है। जरा चारा को देखो, चारा का डायग्राम देखो और जरा बताओ इस डायग्राम से क्या पूछा होगा। अच्छा देखो हम बोले भी देखिए अर्थ फॉर्म का कौन सा इंपॉर्टेंट है, अर्थ फॉर्म 11 में नहीं सिलेबस में था, लेकिन अगर 12th में उसका रिप्रोडक्शन पे दिया हुआ है, देख रहे हो डायग्राम बता रहा है उसका टेस्टिस कहाँ है, ओवरी कहाँ है ना, क्लाइटेलम भी एक जगह दिख रहा है डायग्राम में, अर्थ फॉर्म में पूछ सकता है, कॉकरोच को डिटेल में पढ़ना ही है। जरा कारा का डायग्राम देखो, बताओ क्या पूछ सकता हूँ, क्या पूछा था नहीं, सिंपल हो गया ना, नहीं कहा पहले भी कहां पे मतलब लेवलिंग नहीं, बहुत एग्जांपल एग्जांपल्स है पूछा था कि जरा बताइए कारा में डाली के नीचे कौन सा पार्ट है, डाली के ऊपर कौन सा पार्ट, ठीक है, डाली के नीचे कौन सा है मेल और डाली के ऊपर फीमेल, लैटरल ब्रांच के ऊपर में फीमेल पार्ट, नीचे में मेल पार्ट, मतलब क्या नाम मैंने पूछा, लेवलिंग नहीं पूछा, जगह पूछा था, ऊपर है कि नीचे है बता, जिसको कोई भी नेग्लेक्ट कर दे वो डायग्राम दे रहा है नहीं, सिर्फ चारा नाम, सिर्फ चारा था डायग्राम दिया, तो फिर क्या बात है, फिर तो लेवलिंग आ गया, लेवलिंग नहीं पूछा, नहीं पूछ गया, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस में देखना जरा मिलेगा। इस चैप्टर का में होगा नहीं तो फिर एलगी में प्लांट में बनेगा, दोनों में से कहीं एक में तो होगा, हो सकता है सामने वाले का मूड पर डिपेंड करता है कहाँ डाल दिए, वहां पे थोड़ा दिया हुआ था कि ऊपर है कि नीचे, दिया तो यही है, तो पूछना तो यही चल रहा, ठीक है। डालो सबडी कारा, सबडी कारा, जरा बताओ ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, लेवल पर कुछ तो पढ़े थे, क्या याद है, पहले ग्रीन था फिर रेड था फिर ब्राउन था, सॉरी उल्टा बोल दी, पहले रेड सॉरी पहले ग्रीन फिर रेड फिर ब्राउन, फिर तो वही बोले, पहले ग्रीन फिर ब्राउन फिर रेड, क्योंकि रेड सबसे डेप्थ में मिलता था, फाउंड इन ग्रेट डेप्थ, ब्राउन रेड डिस्पर्स कम होता था इसीलिए रेड लाइट नीचे तक पहुंचता था, कारा ग्रीन था सबसे पहले में, तो देखिए इट इज अ ग्रीन एल्गी विच इज टू गैमस,
इट इज अ ग्रीन एल्गी विच इज ओगैमस। रेड एल्गी पढ़े सब पढ़े हैं, यहां नहीं पढ़ना, वहां पढ़े थे। ग्रीन एल्गी विच इज ओगैमस। नेक्स्ट पॉइंट तो छोड़ दो, अगला पॉइंट मतलब नेक्स्ट पॉइंट हमारे नेक्स्ट की पॉइंट। इट्स सिक्स ऑर्गन्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड। याद करो 11th के एनसीईआरटी में भी एक लाइन था कि कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हुआ था रेड एल्गी में, याद आ रहा? और रेड एल्गी के अलावा एक ग्रीन एल्गी में भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। ग्रीन एल्गी का मतलब सिर्फ ये काला, बहुत कॉम्प्लेक्स, मोस्ट एडवांस एल्गी यही है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे सर? सेक्स ऑर्गन्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड। सेक्स ऑर्गन्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड। सेक्स ऑर्गन्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड। मेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड, नाम तुम्हारे बुक में है, थ्री डी में ग्लोब यू है ना, मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियम। एंथेरिडियम एंथेरिडियम या ग्लोब्यूल, पता नहीं कारा दिया है कि नहीं दिया। एंथेरिडियम में लिखो ग्लोब्यूल फिर उसके मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड ऊगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड ऊगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड ऊगोनियम। नेक्स्ट पॉइंट, द सेक्स ऑर्गन्स आर बोर्न, द सेक्स ऑर्गन्स आर बोर्न ऑन एडैक्सियल ब्रांच। एडैक्सियल द सेक्स ऑर्गन्स आर बोर्न बी ओ आर एन ई ऑन एडैक्सियल। देख लो साइड वाले ब्रांच में ग्रो कर रहा है ना सेक्स ऑर्गन, तो सेक्स ऑर्गन्स आर बोर्न ऑन एडैक्सियल ब्रांच। ऐसे नहीं एडैक्सियल सरफेस को ब्रांच नहीं सरफेस। सेक्स ऑर्गन्स आर बोर्न ऑन एडैक्सियल सरफेस ऑफ शॉर्ट लैटरल ब्रांच। एडैक्सियल सरफेस ऑफ शॉर्ट लैटरल ब्रांच। एडैक्सियल सरफेस ऑफ शॉर्ट लैटरल ब्रांच ऑलमोस्ट ऑन ईच नोड। याद करो मॉर्फोलॉजी में कहीं भी अगर ब्रांचिंग या लीफ आया मतलब वहां नोड रहा होगा, है ना, तो मतलब हर ब्रांच में ही हो सकता है। ऑलमोस्ट ऑन ईच नोड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, मेल सेक्स ऑर्गन ऑक्यूपाइज द हायर पोजिशन। मेल सेक्स ऑर्गन सॉरी लोअर ना लोअर भाई तो नीचे है। मेल सेक्स ऑर्गन ऑक्यूपाइज द लोअर पोजिशन। मेल सेक्स ऑर्गन ऑक्यूपाइज द लोअर पोजिशन than female sex organ। ठीक है, चलो अगला हेडिंग गैमेट ट्रांसफर। ये हो गया गैमेट फॉर्मेशन खत्म, गैमेटल एनालिसिस खत्म, अभी गैमेट को ट्रांसफर करना है, तो बना हेडिंग गैमेट ट्रांसफर। इन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स, इन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स मेल गैमेट्स आर मोटाइल। मेल गैमेट्स आर मोटाइल एंड फीमेल गैमेट्स आर स्टेशनरी। एनसीईआरटी पेज नंबर 13 देखो सर, ये भी लिखना ना पड़े। गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर पेज नंबर 13 लास्ट पैराग्राफ थर्ड लाइन देखा, इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल वर्ड दिखा, इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट वाला लाइन पता नहीं तुमको वहां लिखेगा। उधर ही क्लास
मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट्स आर मेल गैमेट इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। मिल गया। अगला पॉइंट देखो, एक्सेप्शंस आर अ फ्यू फंगी एंड एल्गी इन विच बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल, है ना। देखो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि मेल गैमेट मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल। कुछ फंगी और एल्गी में क्या होता है, दोनों ही मोटाइल होता है। अच्छा फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, मेल मोटाइल होता है, दोनों नॉन मोटाइल होता है। खुद तो ना, अगर पॉलिन प्लांट मोटाइल होता तो हवा या पानी की जरूरत क्यों होता उसको स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए, क्यों जरूरत होता है, इंसेक्ट का जरूरत क्यों होता, वो तो खुद ही चला जाता है। तो फ्लावरिंग प्लांट में दोनों में से कोई मोटाइल नहीं होता, दोनों नॉन मोटाइल होता है, एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्मली बात है। अच्छा एक और पॉइंट वहीं देखो, इन सेवरल दिख रहा होगा, इन सेवरल प्लांट्स लाइक एल्गी ब्रायोफाइट एंड नेडोफाइट वाटर इज द मीडियम थ्रू विच दिस ट्रांसफर टेक्स प्लेस। मिला। तीसरा पॉइंट बनाओ। चौथा पॉइंट, इन सीड प्लांट्स दिखा, पेज नंबर 14 फर्स्ट लाइन, इन सीड प्लांट्स पॉलन ग्रेन्स आर द कैरियर ऑफ मेल गैमेट एंड ओव्यूल्स हैव द एग। मिला। फिर लास्ट लाइन, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथर। मिला। लास्ट पॉइंट देखो, उसी में उसी पैराग्राफ में उसके बाद वाला लाइन, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथर देयरफॉर हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन। मिला। चलिए ये इतना ही टॉपिक था, इसमें पूरे को एक बार समझ लेते हैं। अच्छा एक पॉइंट और लिख लो, इन फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। लिख लो, या तो बुक में कहीं आसपास लिख लो या फिर कॉपी में लिख लो, इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए सब लोग गड़बड़ाया था। इन फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। हाँ नॉन मोटाइल। फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। चलो अभी तक जितना पॉइंट देखे थे एक नजर सुन लेते हैं बस। मोस्ट में क्या होता है, मोस्ट प्लांट एनिमल में मेल मोटाइल होता है, मेल मोटाइल और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल, ठीक है। कुछ फंगी और एल्गी में क्या होता है, दोनों मोटाइल, दोनों मोटाइल, वेरी गुड। अच्छा फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, दोनों नॉन मोटाइल। अच्छा अगर आप एल्गी ब्रायोफाइट या डेंड्रोफाइट का बात करें तो वहां पे ट्रांसफर कैसे होता है गैमेट का, वाटर के थ्रू। इलेवेंथ में प्लांट किंगडम में आप पढ़ चुके हैं कि वाटर ट्रांसफर मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का जरूरत होने की वजह से ही ब्रायोफाइट और डेंड्रोफाइट का नंबर थोड़ा कम है। ब्रायोफाइट सिमटा हुआ है नैरो टेरिस्ट्रियल रीजंस में, उनको डैम सेडी वाटरिंग प्लेसेस चाहिए, यही सब दिक्कत आया, ठीक है। अच्छा फ्लावरिंग प्लांट में ट्रांसफर कैसे होता है, पॉलन ग्रेन के थ्रू, है ना। पॉलन ग्रेन मेल गैमेट को ट्रांसफर करता है और एग क्या करता है, फीमेल गैमेट को ट्रांसफर करता है, ठीक है। अच्छा पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहां होता है, एंथर में, और एग कहां प्रोड्यूस होता है, स्टिग्मा। तो एंथर से स्टिग्मा का ट्रांसफर क्या है, फर्टिलाइजेशन, यानी बोलो पॉलिनेशन है, फर्टिलाइजेशन का एक्चुअल फ्यूजन मेल और फीमेल। तो आप इसको बदल रहेगा, बदल ले, पहले लिखो पॉलिनेशन और उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग बनेगा फर्टिलाइजेशन, मान तो लिख लो, ऐसे तो मुझे बता ही चुके हैं कॉपी में, तो लिखे हो वही है, मान तो लिख लो, यहाँ पे दिया हुआ भी है इसी मॉडल में, क्या दिया हुआ, पॉलिनेशन नहीं, हाँ पॉलिनेशन बताया कि वो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू सिग्मा को फैसिलिटेट करता है, खैर वही नहीं। अब आगे बताओ फर्टिलाइजेशन, साढ़े पांच तक पढ़े तो चैप्टर खत्म, क्या करना है, कितना दया, ओ किस पे दया कर रहा है, जानते हैं खुद पे। अच्छा 5 बजे तक कर,
उससे ये पांचवें चरण खत्म हो जाएगा। डाल एनी फर्टिलाइजेशन, देखो पहला पॉइंट मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फर्टिलाइजेशन, मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फर्टिलाइजेशन। तुम स्कूटी से ना पास पास पर जाना तो मोस्ट क्रिटिकल इवेंट, देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कलर चेंज करके रखना। मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मोस्ट क्रिटिकल इवेंट बार बार फोकस करें, सबसे क्रिटिकल इवेंट क्या है? फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट वाइटल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कंफ्यूज करेगा। मोस्ट क्रिटिकल इवेंट कुछ और है, मोस्ट वाइटल इवेंट कुछ और है। मोस्ट वाइटल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्यूजन ऑफ गैमेट, दैट इज सिनगैमी। मोस्ट वाइटल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्यूजन ऑफ गैमेट, दैट इज सिनगैमी। देखो जो समझा है जरा समझना, ये है मेल गैमेट, ये है फीमेल गैमेट, ठीक है। इधर देखना, इधर देखना, दोनों जैसे ही क्लोज कॉन्टैक्ट में आया तो स्पर्म के हेड पे ना, ये इसमें को बोलते हैं हेड, कुछ केमिकल होता है जो इसको डाइजेस्ट करता है, तो ये यहां जाएगा और ऐसे जाएगा। और जब स्पर्म इंटर कर रहा होता है एक में, उसका टेल कट के अलग हो जाता है, टेल इंटर नहीं करता, सिर्फ हेड इंटर करता है, ठीक है। टेल तो उसको मोटाइल बनाने के लिए, हाँ सर, पहुंचाने के लिए, और सर कोई काम नहीं। यहां तक पहुंचा, ये था फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही ये हैप कर गया पूरा ऐसा कलर चेंज कर दे ताकि इधर से हो गया, इंटर कर गया, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, इंटर कर गया। और इंटर करने के बाद ये भी डिजॉल्व हो जाता है, फिर इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस। जब एक्चुअली में दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज करता है ना, तब उसको बोलते हैं सिंगमी। ये डिफरेंस, इतना क्लोज डिफरेंस है फर्टिलाइजेशन और सिंगमी। एक्चुअल फ्यूजन ऑफ गैमेट जब होगा तो बोलेंगे सिंगमी, फर्टिलाइजेशन तो नॉर्मल। मेल और फीमेल गैमेट का क्लोज कॉन्टेक्ट में आना, ये जैसे ही क्लोज कॉन्टेक्ट में फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। मतलब सिर्फ न्यूक्लियस अगर ये फ्यूज किया तो सिंगमी, और अगर मेल और फीमेल गैमेट क्लोज कॉन्टेक्ट में है, एक दूसरे में इंटर करा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उम्मीद करो जरा अच्छे में कहां दिया हुआ है, तो सोच सकते हो उस चैप्टर में दिया होगा, इसी चैप्टर में। मोस्ट वाइटल तो फर्टिलाइजिंग का पहला लाइन, देखो पेज नंबर 14 फर्टिलाइजर है, देखो उसका पहला लाइन मिला। अच्छा मोस्ट क्रिटिकल इवेंट कहां बताओ, दिखने रहा है देख के बताएं, ठीक है। मोस्ट क्रिटिकल इवेंट अलग है, मोस्ट वाइटल इवेंट अलग। नेक्स्ट पॉइंट, इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स बिलिंग, अभी लिंग साढ़े पास है ना, इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स सच एज अ मेजोरिटी ऑफ एल्गी, इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स सच एज अ मेजोरिटी ऑफ एल्गी एंड फिशेस
पार्थेनोजेनेसिस तुम्हारे बुक में लिखा है हमको नहीं आइडिया था। अच्छा हाँ मिल गया, देखो फर्टिलाइजेशन के जस्ट ऊपर वाला लाइन सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फर्टिलाइजेशन। मिला फर्टिलाइजेशन के जस्ट ऊपर वाला लाइन हेडिंग, यहां फर्टिलाइजेशन दिख रहा है हेडिंग के जस्ट ऊपर। हाँ पेज 14 ऊपर वाले पैराग्राफ का लास्ट लाइन मोस्ट क्रिटिकल इवेंट लिखा है और फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद का लाइन मोस्ट वाइटल इवेंट लिखा है। ये दिक्कत करा सकता था इसीलिए पहले एग्जैक्टली क्लियर कर दिया। ठीक है अच्छा ये वाला पॉइंट जो मैं बोल रहे थे वो भी यहां दिया हुआ पेज नंबर 14 में लास्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन देखो। In most aquatic organisms such as majority of algae and fishes and as well as amphibians, syngamy occurs in the external medium water that is outside the body of organisms. Mila? हाँ इसे कंप्लीट कर दो। अभी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है ये बताने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है बॉडी के बाहर होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही, बॉडी के अंदर होगा तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो क्लास 8 का बायोलॉजी हो गया। ठीक है चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो बुक में ही है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोर्ड में दिख रहा है बुक में पेज नंबर 14 लास्ट पैराग्राफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद वाला है ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सो ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस एंड रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट इनटू द सराउंडिंग मीडियम इन ऑर्डर टू एनहेंस द चांसेस ऑफ सिंगैमी। मिला जब इस लाइन को पहले समझाते हैं सिंक्रोनी का मतलब क्या होता है। देखो जाहिर सा बात है जिन भी ऑर्गेनिजम्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा वहां पे दोनों सेक्स मेल और फीमेल के बीच का कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त होगा। जैसे मान लो एम्फीबियन फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मान लो ऐसा हुआ कि मेल फ्रॉग शाम का समय 4 बजे टहल रहा था, उसको मन किया कि नहीं हमको रिप्रोड्यूस करना है, उसको रिलीज कर दिया। फीमेल फ्रॉग घूमते घूमते रात के 10 बजे आई, उसको भी मन किया कि नहीं हमको एक रिलीज करना और एक रिलीज करना। हमको एक बात बताए स्पर्म के इंतजार कर रहा होगा 4 बजे से रात के 10 बजे तक कि चेक आने वाला है, मतलब दोनों गैमेट पूरा पूरा बेकार। तब तक अभी स्पिस्टा के बनेगा ही नहीं, या अगर फ्यूजन हुआ भी तो बहुत हाई कोइंसिडेंस हो जाएगा फिर तो, है ना। अभी यहां पे मेल स्पर्म रिलीज करने गया तभी फीमेल प्रेजेंट होते हैं आगे गलती से, है ना, तो दिक्कत है। इसीलिए जहां कहीं भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वहां दोनों सेक्स के बीच में सिंक्रोनी जबरदस्त होता है एकदम टाइमिंग। ठीक है हमारे वक्त में तो मेल का फ्रॉग का तो पूरा पूरा पढ़ना ही रिप्रोडक्शन का टेक्निक क्या होता है। ठीक है वहां पे एक्चुअली क्या होता है कि मेल का जो फोर लिंब होता है ना फ्रॉग का, देखो क्योंकि तुमको फ्रॉग नहीं पढ़ना है लेकिन पढ़ना होगा तो वहां पता था कि मेल फ्रॉग में आगे में एक एम्पुलरी पैड्स होता है पैड, ठीक है, फॉर ग्रिपिंग द फीमेल। जब उनका ब्रीडिंग सीजन आता है तो मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग ऊपर चढ़ जाता है और फीमेल फ्रॉग को अपने दोनों फोर लिंब से पकड़ता है जोर से, ठीक है, दोनों हाथ से जब फीमेल को पकड़ता है तो फीमेल के बॉडी में एक रिफ्लेक्स जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन पड़ चुके हैं अचानक जो एक्शन, और उस रिफ्लेक्स एक्शन के रिस्पॉन्स में फीमेल एग रिलीज करती है सराउंडिंग वाटर में, वहां इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं है जैसा हमारे में सराउंडिंग वाटर में, और उसी वक्त मेल भी एग्स के ऊपर स्पर्म रिलीज करता है तो हो गया ना हाईली सक्सेस रेट वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो कितना जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है दोनों, है ना, तो सिंक्रोनी बहुत हाईली होता है इसलिए बोले ग्रेट सिंक्रोनी यहां होता है। अब फ्रॉग वाला एग्जाम्पल नहीं पढ़ना, पहले नीडियो क्वेश्चन बन चुका है, बहुत अच्छी बात यही चीज। एम्पुलरी पैड सबसे प्यारा क्वेश्चन था फ्रॉग में से, एआईपीएमटी का जो क्वेश्चन सेट था उनके एम्पुलरी पैड किसमें मिलता है मेल फ्रॉग में कि फीमेल फ्रॉग में, मेल अब नहीं पूछे एकदम कोई चांस जीरो 0%।
कैलकुलेशन 0.001 भी आ सकता है, हमको इतना कम हो गया, 0.0001 का भी चांस नहीं। चलिए अगला पॉइंट, ऐसे एग्जांपल लिखो, एग्जांपल बोनिफेशन फ्रॉग, फ्रॉग का नाम लिया तो नाम लिखना जरूरी है ना, बेचारा फ्रॉग बुरा मान गया तो इतना पढ़ाए मेरे बारे में तुम नाम नहीं लिए, बताओ ये तो कॉपीराइट हो गया, मेरे बारे में बता रहे हो हमको क्रेडिट भी नहीं दे रहे हो। फ्रॉग्स एंड बोनिफेस याद करो पढ़े थे एनिमल किंगडम में, कार्टिलेजिनस फिन में क्लैस्पर्स होता था और क्लैस्पर्स एनालॉगस टू पेनिस था, मतलब वहां इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा था है ना, और बोनिफेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कार्टिलेजिनस फिश में इंटरनल, बोनिफेस में एक्सटर्नल। बात बताओ आप अगर मछली खाते हो, आपको सुना होगा दो तरह का मछली, एक में खूब कांटा मिलता है एक में कांटा नहीं मिलता, जिनमें कांटा नहीं मिलता कौन सा टाइप होगा, कार्टिलेजिनस है, बोनी में तो कांटा मिलेगा, हड्डी उनका, हड्डी कांटा उनका हड्डी है एक्चुअली, ठीक है, कार्टिलेजिनस में बोन होता ही नहीं तो कांटा कहां से मिलेगा, समझे, तो जितना समुद्र वाला मछली होगा उसमें कांटा उनका कम होगा, बड़ा मछली कांटा नहीं होगा, हड्डियों का बीच सीधा स्पाइनल कॉर्ड निकालो काम शुरू करो, जितना दबा के खा सकते हैं वो मछली, वो फ्रेश वाटर है उसमें तो कम रहता है ना, अच्छा खासा होता है, बड़ा है नहीं है उसका सिर्फ बीच में रहता है, उसको सिर्फ निकाल दीजिए बस, देख मछली उनको पसंद नहीं है, मछली उनको एकदम पसंद नहीं है, इसलिए ज्यादा उस पर भी डिसीजन नहीं कर सकते, डिस्कस में मटन चिकन, चिकन भी कम मैक्सिमम मटन, 100 में से 85 टाइम्स मटन, 15 बार किसी और के पार्टी में गए कभी चिकन, मेरे यहाँ कभी चिकन नहीं बनता, जब बनेगा मटन बनेगा, फिक्स मटन है तो अंडा, अंडा रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, मटन प्रोटीन एंड फैट, प्रोटीन भी फैट भी, एक में मैक्सिमम कैल्शियम होता है प्रोटीन, फिश में फैट, ऑयली होती है, मछली देर छोड़ती है, कभी बना मछली खुद से बनने में देखे तो बोलो मम्मी लोग बोलती फिर तेल कम डालो, तेल खुद ही छोड़ रही मछली, मटन या इनमें तेल ज्यादा डालना पड़ता है, इग्लू में भी तो मछली को जलाते क्योंकि वो तेल छोड़ती है, मछली के तेल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो न्यूट्रिएंट्स, ओमेगा 6 एक बार पूछा था ओमेगा 6 फैटी एसिड किसमें मिलता है तो मरीन फिश, ओमेगा 6 फैटी एसिड सबसे छूटा था उसका, आउट ऑफ स्क्वायर क्वेश्चन था, मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी 2016 में पूछा, उस वक्त कट ऑफ भी 460 गया था, क्वेश्चन का साथ आ रहा है। चल पहले हमको इतना अच्छा लगता था लेकिन पहले कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता था, सिर्फ हम एक्स्ट्रा पढ़ते थे, सारा क्वेश्चन मेरे कॉम्पिट होता था, अब तो एनसीईआरटी से पूछ रहा है सब जगह सही पढ़ाई होना है, एनसीईआरटी में तो सबको बराबरी का चांस मिल गया, पहले ऐसा नहीं था, जो मेरे पास है वही लोग एक्स्ट्रा पढ़ता था, अब हम नीट कैटेगरी में स्पेशलाइज थे, जब स्टार्ट करते स्पेशलाइजेशन था मेरा, मेरे कॉम्पिट से बाहर कितना एक्स्ट्रा मुझे नहीं पूछा ऐसा, अब तो एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछता तो कॉपी का बाद पहली बार हमको एनसीईआरटी में सिर्फ होना पड़ा लेवल में, लेवल में फिर भी थोड़ा सा लक्ष्य दिखा रहे कॉपी पे आ रहे एक्स्ट्रा बता रहे, बट 11 तो हार मान लिए, अब मेरे टाइम नहीं था ना, टाइम के साथ ढलना पड़ता है, अब एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे भी पूछेंगे भी सब तो आ जाएंगे पूछना शुरू करेंगे, भाई जब सबके सामने करने में मजा आता है, अकेले भाई जीतने में कोई मजा नहीं, अरे है कौन जाना सर नहीं जानते, जब सबके सामने क्वेश्चन नहीं आएगा 10 मिनट खा रखें कितना मजा आएगा, इसलिए पढ़ते रहो है? तो इस बार भी करेंगे, वो मेरा नेचुरल है, नहीं करना एक इंस्टिंक्ट था, तो क्लास तेजी में निकाला था, कोई नहीं कहा तक थे, अच्छा एग्जांपल नेक्स्ट अगला पॉइंट, हाँ मोस्ट ऑफ द एल की देख लेते आंसर के बाद लिखो, टर्की से एग्जांपल दिए थे याद आ रहा है, देखो जरा मौके में टर्की हाँ दिए थे, दिए थे दिए थे, मेल ये सब में होता है कि हाफ मेल बनता है, टर्की ये पॉइंट मेल में नहीं गया, इसने पूछा कि एनसीईआरटी में है रोटी पर हनी बी लिजार्ड और टर्की, टर्की नहीं है, टर्की ये पॉइंट है सिर्फ एग्जांपल है उसका डिफिनेशन मतलब इसके अंदर कुछ नहीं लिखा,
नहीं लिखवाए तो आज उसको कंप्लीट कर दो, एनसीईआरटी में लिख दिया नहीं था, तो जानना ही चाहिए एक्स्ट्रा होता जो भी, क्योंकि आप हमसे पूछे थे टर्की किसी को पता तुमको याद था वो चिड़िया इनकम्प्लीट वाले में टर्की थी, हनी बी टर्की इनकम्प्लीट में हनी भी लिखवा टर्की लिखवा है नहीं टर्की लिखो लिखो टर्की लिखो रोटी पर लिखो रोटी पर बताया था ना कि ऐसा भी होता है आर्नोड अभी जहां से मेल होता है उसका एग्जांपल होगा टर्की और हनी भी, फिर एक और बोलते जहां सिर्फ फीमेल बनता है उसका एग्जांपल लैसाटा टिम्फेलिना और रोटीफर, और एक और बोलते जहां दोनों बनता है उसका एग्जांपल होगा हैंडफेल, एक्स्ट्रा है बट एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वहां टाइम नहीं बताया सिर्फ बताया पार्थेनोजेनेसिस कहां कहां होता है, तो ये रोटीफर काम नहीं है, रोटीफर नहीं है एनसीईआरटी में रोटीफर नहीं है, टर्की है रोटीफर की है, दोनों में रह सकते दोनों में मतलब दोनों में क्या इनकम्प्लीट में डालो हाँ तो रोटीफर टर्की और हनी भी इनकम्प्लीट में डालो और लिजार्ड रॉक लिजार्ड याद है किसका नाम लिखवाए कम्प्लीट में हो गया चारों ठीक है अच्छा वो नजर पड़ गया तो जिसको एक्स्ट्रा समझ के छोड़ दिए थे नए वाले आंसर की मैं ऐड कर दिया बहुत खतरा लगा हुआ इन सेवरल प्लांट्स लाइक एल्गी इन सेवरल प्लांट्स लाइक एल्गी ब्रायोफाइट हाँ इन सेवरल प्लांट्स लाइक एल्गी ब्रायोफाइट एंड डेडोफाइट एक सेकंड रुको प्रभाव क्या है मोस्ट ऑफ द फंगी ब्रायोफाइट अच्छा नहीं चले करते सेवरल प्लांट ने लिख लो इन मोस्ट ऑफ द फंगी ब्रायोफाइट डेडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दिया हुआ है हाँ दिया हुआ है कहाँ पे यहाँ पे पेज नंबर 15 सेकंड है फर्स्ट पेज मेजॉरिटी ऑफ प्लांट ड्राइव हाँ चलो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट दिख रहा पेज नंबर 15 सेकंड लाइन फर्स्ट पैराग्राफ इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट ब्रायोफाइट टेडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म सेम कैन बी अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म हिंस द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिला ठीक है नेक्स्ट पॉइंट द टर्म सिनगैमी ये भी शायद होगा द टर्म सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर यूज इंटरचेंजेबली ऐसा है नहीं थोड़ा लिख लो एक लाइन क्या फर्क पड़ता है बुक में लिख लेना क्योंकि मैक्स का तो बुक में ही लाएंगे हो ना तो बुक में लिख लो द टर्म सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन सिनगैमी एंड देखो ना यहाँ पे डिफरेंस तुमको नहीं लग रहा है एकदम कम है चाहे तुम फर्टिलाइजेशन बोलो या सिनगैमी बोलो लगभग बात बराबर हो जाता है ना बात तो सेम बट बहुत माइनर डिफरेंस है तो इसलिए लिख रहे हैं द टर्म सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली द टर्म सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली The term syngamy and fertilization are often used interchangeably. ठीक है नेक्स्ट हेडिंग का नाम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट अभी लगभग खत्म ही है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या कितना स्टूडेंट्स है छोटा नहीं है मगर बड़े बहुत तेजी में तो अभी देखो कितना पेज लिखे हैं पांच छह पेज तो लिखे हैं हमें चार पांच पेज पहला दो क्लास उससे बुक से पढ़े उसके बाद कॉपी में लिखे आज बुक कॉपी दोनों में चल रहा अच्छा खासा नहीं हो गया तुम्हारे लिए हम लोग देखो पत्थर रखा हुआ है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट लिखो इवेंट पहला पॉइंट इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जायगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. हो गया. चलिए पहला हिस्सा बैठी पड़ेगी जायगोट. ठीक है, जायगोट, जायगोट लिखो इसमें पहला पॉइंट. इस पूरे को लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है. जायगोट इज अ वाइटल लिंक. जायगोट इज अ वाइटल लिंक. ये देखो पीछे में, पीछे में जायगोट इज अ वाइटल लिंक. ऐसा पीछे में ऐसा नहीं होगा. प्रोजेनिटर ऑफ फेक्सेशन इम्प्लाय दिख रहा है. ये भी लगता है यही कोई. हाँ इसी में सर लास्ट पैराग्राफ देखो ना, एम्ब्रायोलिसिस के जस्ट ऊपर वाला पैराग्राफ पेज नंबर 15 पहला लाइन. जायगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट. मिला. जायगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज. वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट. ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट. नेक्स्ट पॉइंट. एवरी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन, एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बिगिन इट्स लाइफ एज सिंगल सेल. Every sexually reproducing organism, including human, begins life as a single cell. Begins life as a single cell, the zygote. Every sexually reproducing organism begins life as a single cell, the zygote. ठीक है. Next point. Formation of diploid zygote. फॉर्मेशन ऑफ डिप्लोइड जायगोट इज यूनिवर्सल. फॉर्मेशन ऑफ डिप्लोइड जायगोट डिड नॉट है डिप्लोइड. फॉर्मेशन ऑफ डिप्लोइड जायगोट इज यूनिवर्सल. यूनिवर्सल मतलब जहां कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहां जायगोट डिप्लोइड ही बनेगा. ठीक है. गैमेट्स हैप्लॉइड. ये भी कंफर्म है. गैमेट्स कंफर्म हैप्लॉइड, जायगोट कंफर्म डिप्लोइड अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. तो फॉर्मेशन ऑफ डिप्लोइड जायगोट इज यूनिवर्सल. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. इन ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू फंगी, इन ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू फंगी एंड एल्गी, fungi and algae, in organisms belonging to fungi and algae, zygote develops a thick wall. In organisms belonging to fungi and algae, zygote develops a thick wall. In organisms belonging to fungi and algae, zygote develops a thick wall that is resistant to desiccation. That is resistant to desiccation. That is resistant to desiccation. सूखना, dry होना. ठीक है. अगर पानी नहीं मिलेगा तो dry कोई भी चीज हो जाए, dry हो गया मतलब death हो गया. तो ड्राई ना हो इसलिए यहां पे थिक लेयर का फॉर्मेशन होता है.
ठीक है, क्योंकि इनको पानी तो मिल ही रहा है ना, एल्गी या फंगी इनके पास वैस्कुलर टिश्यूज होते नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, मतलब एक्चुअली उसी को कंटिन्यू करो और अच्छा रहेगा। इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन आ गया। इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट, जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस, zygote divides by meiosis to form haploid spores, zygote divides by meiosis, देखो जो भी haploid organisms था इनका life cycle haplontic था, उनके body में sporophyte तो बहुत कम समय के लिए बन रहा था, मतलब पहले से वो haploid थे, उनके ऊपर male और female organ बना, male और female organ से male और female sex organ बना, fusion हुआ, zygote बना। अब अगर जाइगोट ग्रो करता माइटोसिस से तो जो बॉडी बनता कैसा बनता, डिप्लॉइड। लेकिन क्या होता है कि जाइगोट में तुरंत से मियोसिस हो जाता है और मियोसिस के बाद बनता है स्पोर, तो जाइगोट में मियोसिस हो गया तो बन गया स्पोर जो कि हैप्लॉइड है, तो जब वो ग्रो करेगा तो बॉडी कैसा बनेगा, हैप्लॉइड। तो याद रखना हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियोसिस होता है, जहां कहीं भी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मियोसिस कहां होगा, जाइगोट में। अच्छा हमारा बॉडी कैसा, डिप्लॉइड, हमारा लाइफ साइकिल कैसा, डिप्लॉन्टिक, हमारे मियोसिस कहां होता है, गैमेट, गैमेट मतलब होता है मियोसिस। तो मियोसिस दो वक्त में होता है, अगर जाइगोट में हो गया तब बोलेंगे जाइगोटिक मियोसिस और बोलेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑर्गेनिज्म का, और अगर गैमेट या मियोसाइट में हुआ, गैमेट मदर सेल, तब उसको बोलेंगे गैमेटिक मियोसिस और बॉडी कैसा होता है, डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक गैमेट में भी फ्यूज हुआ, गैमेट फ्यूज करेगा बनेगा डिप्लॉइड बॉडी, डिप्लॉइड बॉडी जाइगोट से माइटोसिस से बनेगा, बाद में जब फिर से गैमेट बनना होगा फिर से मियोसिस, तो गैमेटिक मियोसिस और जाइगोटिक मियोसिस, ये दोनों ही हम प्रोटिस्टा में पढ़ाए हैं, वहां बताए थे जाइगोटिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस, ठीक है ना। तो क्या लिख रहे थे, जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स, टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल, दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल ठीक है, दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल। कोई दिक्कत नहीं, अगला आर्टिकल एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस ठीक है, चलो यहां से अगले क्लास।